हे गाइस, वेलकम बैक टू थर्ड एपिसोड ऑफ बी यूनिक सीरीज। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। आपकी सोच के मुताबिक जिसके पास बड़ा घर, गाड़ी और पैसा होता है उसी की लोग वैल्यू करते हैं, राइट? पर ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आपकी वैल्यू 80% इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज मैं जो आपको बताऊंगा, इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से आपकी वैल्यू का ग्राफ 0 से लेके 100 तक पहुँच जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज यू आर द यूनिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, अप्लाई मोनोपोली प्रिंसिपल। आपने मोनोपोली और कंपटीशन मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। मोनोपोली मीन्स कोई प्रोडक्ट हो, उसका सेलर सिर्फ एक हो और बायर बहुत ज़्यादा हो, फिर उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, एग्जाम्पल आईफोन। और कंपटीशन मीन्स कि सेलर्स ज़्यादा हो और बायर्स को खरीदने का ऑप्शन हो, एग्जाम्पल बाकी सब मोबाइल की कंपनीज। अब इस मार्केटिंग प्रिंसिपल को हम अपनी लाइफ में डासू तरीके से अपनाएंगे। सी, प्रोडक्ट यानी आपकी अवेलेबिलिटी यानी मौजूदगी। अभी आप भी सब लोगों की तरह पूरा दिन लोगों के पीछे भागोगे और पूरा दिन मैसेजेस करोगे, और जब भी कोई बुलाए तो दौड़ते दौड़ते जाओगे, तो आपकी वैल्यू कम होगी, यानी आप कॉम्पिटिशन में भाग रहे हो। और आप कभी कभी किसी को मैसेज करोगे और उसके पीछे भाग दौड़ नहीं करोगे, तो आपकी अवेलेबिलिटी कम होगी और आप मोनोपोलिस्ट हो जाओगे और लोग आपकी वैल्यू करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, अप्लाई स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आपको ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है, आपको अनअवेलेबल हो जाना है। अगर आपको लगे कि एफर्ट के मुकाबले रिवॉर्ड कम मिल रहे हैं, मैं जिसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ उससे मुझे वैल्यूज उसके मुकाबले बहुत कम मिल रही है, तो सिंपली वहाँ से अनअवेलेबल हो जाना है। प्रिंसिपल नंबर 3, डोंट जंप टू रिटर्न द फोन कॉल्स। लोग क्या करते हैं कि उनको कॉल आए तो सीधा एक सेकंड में ही कॉल उठा के बात करने लगते हैं। आपको क्या करना है, 5 सेकंड तक कॉल नहीं उठाना है। बजता है तो बजने दो। लोग आपको कहेंगे कि तुम बहुत बिजी हो गए हो, वो बोलते हैं तो बोलने दो, मीन्स आपकी वैल्यू बढ़ रही है। और हाँ, ये अपने मॉम डैड या फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं करना है, हो सकता है उन्हें कोई अर्जेंट काम हो, वैल्यू हमें दूसरे लोगों के सामने बढ़ानी है। प्रिंसिपल नंबर 4, से नो टू अदर्स। हमारे कई दोस्त क्या करते हैं कि भले वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों, उनके दोस्त का कॉल आया यहाँ आ जा तो काम छोड़ के सीधा भागते हैं। किसी का मैसेज आया ये काम करके दे तो सीधा हाँ बोल देते हैं। आप यूनिक हैं, आपको उनको ना बोलना है। जिसमें आपका फायदा ना हो सिंपली उसके लिए ना बोल दीजिए। आप जितना कम अवेलेबल रहेंगे आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। प्रिंसिपल नंबर 5, बीइंग अनअवेलेबल फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर सम टाइम। आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अनअवेलेबल होना है। किसी को मैसेज नहीं करना है, किसी के फोटो पे कमेंट नहीं करनी है, और अगर कोई मैसेज करे तो उसको बस उसके मैसेज का रिप्लाई देना है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, और हो सके तो थोड़ा लेट रिप्लाई देना है, तुरंत नहीं देना। सो फ्रेंड्स, आप ये प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और आपको एक मंथ में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी लोग वैल्यू करने लगेंगे और आपसे बात करके खुद को लकी समझेंगे। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपकी वैल्यू का ग्राफ 0 से 100 हो जाएगा। और हाँ, एक लास्ट टिप, आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने 2 मिस्टेक्स बताई हैं जो आपकी वैल्यू डाउन कर देती है, जो आपको कभी नहीं करनी। चलो, रोज की तरह मैं सीरीज का अपडेट दे देता हूँ। इस सीरीज का 4th वीडियो आएगा, दिस 5 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स कैन हार्म योर इमेज। ये 5 हरकतें आपकी इमेज खराब करती हैं, और मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो बहुत शानदार रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहना, क्योंकि बाबा विजय आपको यूनिक बनाना चाहते हैं। सो आखिर में, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार, वो बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब बटन के पास वाली घंटी बजा दो ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।